यदि भगवान का चरित्र नहीं है, जीवन में यदि भगवान का नाम नहीं है, जीवन में यदि भगवान की भक्ति नहीं है, तो ये जीवन जीना बेकार है। फिर तो ये शरीर लाश के समान है। एक बहुत बड़ी एक बार सभा लगी थी, तमाम संत आए उस सभा में, व्यास जी भी पहुंचे। एक महात्मा जी ने खड़े होकर के उस संत सम्मेलन में उस सभा में कहा कि जिस मनुष्य के पास कोई गुण नहीं होता है वो मरे के समान है, पृथ्वी पर भार के समान है। दूसरे व्यक्ति खड़े हो गए, दूसरे महात्मा खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता है वो मरे के समान होता है। व्यास जी ने कहा ऐसा कतई नहीं है। केचिद बदंति धनहीन नरो जघन्या। एक ने कहा जिसके पास धन नहीं है वो मरे के समान है, दूसरे ने कहा केचिद वदन्ति गुणहीन नरो जघन्या। दूसरे ने कहा जिसके पास कोई गुण नहीं है वो मरे के समान है। व्यासो बदत्त खिल शास्त्र पुराण वेत, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्या। व्यास जी ने कहा कि जो परमात्मा के भजन से दूर है, जो भगवान के स्मरण से दूर है, वही तो मरे के समान है। तो सच्चा आनंद तो भगवान के शरण में है, सच्चा सुख भगवान के स्मरण में है।